Assalamualaikum, welcome to my channel Horror Center. तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नॉवल हमजाद की वापसी की एपिसोड नंबर 8। बरसों मैंने हंगामा खेज जिंदगी गुजारी थी और आज पहली बार खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। मैं खुद अपने घर में रहकर अजनबी बन गया था। जोहर का वक्त हो रहा था, इसलिए मैंने वुजू किया, फिर मुसल्ला बिछा कर बैठ गया। जब वक्त हो गया तो मैंने नमाज पढ़ी, फिर मेरे हाथ दुआ के लिए उठ गए। जाने क्यों दुआ मांगते हुए मुझ पर रिक्कत सितारी हो गई। पहली बार मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं वाकई अपने खुदा के हजूर गिड़गिड़ा रहा हूं। यह कैफियत मुझ पर बहुत देर तक तारी रही। इस कैफियत के दौरान में मुझे ये एहसास ही ना हो सका कि कब मैंने दुआ ख़त्म की, कब मुसल्ले से उठा और कब बिस्तर पर जाके लेट गया। जब मैं अपने हवास में आया तो मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मेरे अंदर टूट फूट हो रही थी, सब कुछ बदल रहा था। ये खुद एहतसाबी के लम्हे थे। मैं हिसाब माहो साल पढ़ रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं आप ही आप बुड़बुड़ा रहा था, रोज़े कयामत मेरा अमालनामा मेरे दाएं हाथ में नहीं बाएं हाथ में दिया जाएगा। हाँ, ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने अपने अंदर छुपे हुए शैतान को आज़ाद छोड़ दिया था। मैं इसी काबिल हूँ कि मुझे जहन्नुम में झोंक दिया जाए। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। जाने मैं कब तक बुड़बुड़ाता रहा, खुद पर मुलामत करता रहा। खुदा ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा था, मुझे एक गैर मामूली कुव्वत अता की थी, मगर मैं उसे खैर की जस्तजू में सर्फ नहीं किया बल्कि मुजस्सम शर बन गया। क्या मैं अब भी ऐसा ही नहीं कर रहा, खुद को धोखा नहीं दे रहा? मेरी नमाजें मुनाफकत नहीं है? क्या मैंने इस तरह वक्ती तौर पर अपनी गर्ज की खातिर शराफत और इबादत का लिबादा नहीं ओढ़ लिया? क्या मेरा मकसद वही नहीं जो पहले था? क्या मैं गुनाह से बाज आ जाऊँगा? क्या मैं दोबारा अपने हमजाद को इसीलिए काबू में नहीं करना चाहता कि जहन्नुम कमाऊं, ऐशो नशात की महफिलें सजाऊं? मुझ पर तो सवालों ने जैसे बारिश कर दी। उन सब सवालों के जवाब हाँ में थे। फिर यूं हुआ कि सीने की दुखन कम होने लगी, आंखों की जलन में ठंडक सी उतरने लगी, जलते सुलगते हुए जज्बों पर नए एहसासात की शबनम बरसने लगी। मैं फैसला कर चुका था कि ऐसा नहीं होगा जो हो चुका है। मैं अब खुद को धोखा नहीं दूंगा, मुनाफकत छोड़ दूंगा। मेरा जाहिर और बातिन एक होगा। अगर मैं जी गया तो अब अपनी ज़िंदगी का रुख बदल दूंगा। यकीनन उसी फैसले ने मुझे कल्बी सुकून फराहम किया। कोई मेरे अंदर सरगोशियां सी कर रहा था कि ऐ शेख करामत, तुम्हारा नया जन्म है और उसमें भी तुम्हें बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारे इम्तिहान का असल वक्त अब शुरू हुआ है। मुझे अब हर आजमाइश हर इम्तिहान कबूल था। सो मैं वो सरगोशियाँ सुनता रहा और मुस्कुराता रहा और उसी हालत में मेरी आँख लग गई। जब मैं उठा तो असर का वक्त था। मुझे भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह का नाश्ता किए हुए था। पहले मैंने नमाज पढ़ी, फिर पेट की आग बुझाने के लिए कमरे से निकला। अपने कमरे से निकलते ही मुझे ताफून और बदबू का सा एहसास हुआ। इरशाद अली ने मेरे कहने पर अपने कमरे के सामने वाली मुख्तसर सी जगह में खाने पकाने का बंदोबस्त कर लिया था। मैं उस तरफ बढ़ा तो बदबू और बढ़ गई। करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ हर तरफ गलाजत फैली हुई थी और सारा सामान तितर बितर पड़ा था। मेरा तो जी मतलाने लगा। उसी वक्त मुझे अपने अकब से एक जहरीला कहका सुनाई दिया और मैं उछल पड़ा। मुड़कर देखा तो मुझे दूर बरामदे में एक अजीब उलखलकत शख्स खड़ा नजर आया। उसकी दाढ़ी बेहद बड़ी हुई थी, सर के बाल जटाओं की शक्ल में शानों पर बिखरे हुए थे, जिस्म की रंगत स्याह थी और वो गेरवे रंग का एक कपड़ा अपने ऊपर लपेटे हुए था जो उसकी अस्तख्वानी जिस्म को छुपाने के लिए नाकाफी था। उसके सारे वजूद में उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें सबसे नुमाया थी, जैसे बस आंखों में जिंदगी और हरारत हो। चेहरे पर स्याह खाल जैसे मुंडी हुई थी। उसे एक नज़र देखकर मुझे झुरझुरी सी आ गई और यकीनन मेरी बेबसी पर कहका लगाया था उसने। मुझे ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि वो कौन हो सकता है। और फिर एक बार दोबारा वो ज़ोर से हंसा और मुझे मुखातिब करने लगा। उसकी आवाज़ ने मेरे यकीन की तस्दीक कर दी। वो शंभू ही था, वही शंभू अब तक मैंने जिसकी आवाज़ ही सुनी थी। शेख, अगर तू जिंदा रहना चाहता है ना तो चला जा यहाँ से। मैं तेरा ये कसूर भी माफ़ करने को तैयार हूँ कि तूने मेरी महबूबा को ख़राब कर दिया। मैं तैश के आलम में उसकी तरफ लपका। रुक जा, वहीं रुक जा, अपनी मौत को आवाज़ ना दे और मुझसे टकराने की कोशिश ना कर। मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो ज़रूर, मगर रुका नहीं। मुझ पर तो उस वक्त एक जुनून सा तारी था। बरामदे तक पहुँचते ही जैसे किसी नादीदा हाथ ने मुझे पीछे धकेल दिया, हालांकि शंभू मुझसे दूर खड़ा था। मैं संभलते संभलते भी अपने जिस्म का तवाज़न बरकरार ना रख सका और फर्श पर गिर पड़ा।
उसी वक्त मैंने अपने और शंभू के दरमियान एक रक्सा शोला देखा। उठ, फिर कोशिश कर। मैंने गुस्से के बावजूद अपने हवास को बेकाबू नहीं होने दिया, क्योंकि मैं उसका मकसद समझ गया था। गिरने की वजह से मेरी कोहनी में हल्की सी ज़र्ब आई थी। मैं उसे सहलाता हुआ फर्श से उठा, मगर आगे नहीं बढ़ा। क्यों, हिम्मत जवाब दे गई? अगर मैं चाहता तो तुझे इसी वक्त जलाकर खाक भी कर सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। बकवास करता है तू, अगर ये तेरे बस में होता तो तू कभी का ऐसा कर चुका होता। ऐब बड़ बोले, पूछ के मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? मुझे तुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, समझ गया? नहीं पूछता तो तुझे खुद बताता हूँ कि सरिता ने मुझसे वचन लिया है मैं तुझे कत्ल ना करूँ। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं तो मैं उसे यहाँ बुला लाता हूँ। ये कहकर उसने सरिता को आवाज़ दी। चंद ही लम्हे बाद मैं सरिता को उसके करीब खड़े हुए देखा, और मेरी रूह में जैसे कोई नश्तर सा उतर गया। वो जो कभी मेरी थी, मेरे दुश्मन के पहलू में खड़ी थी और मैं बेबस था। उसे अपने दुश्मन की गिरफ्त से आज़ाद नहीं करा सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सोगवारी थी और आंखों में जैसे रत जगह की थकन थी। नहीं, मैं एकदम चीख उठा। मैं उस वक्त वो मंजर देखकर शायद एक बार फिर अपने हवास गंवा बैठा था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा शंभू, मैं तुझे। मैं आपे से बाहर होकर चीखता हुआ उसकी तरफ दौड़ा। मैं उस लम्हे जैसे सब कुछ भूल बैठा था। मुझे ये होश नहीं रहा था कि मेरे और उसके दरमियान एक शोला रक्सा है। मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि मेरा वजूद जैसे शोलों में घिर गया था। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा कि क्या हुआ। होश खोने से पहले मैंने सरिता की आवाज़ ज़रूर सुनी थी। ये तूने क्या किया शंभू, ये तूने क्या किया? तूने तो मुझे वचन दिया था कि इससे आगे मैं ना सुन सका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वो अल्फाज थे जो मुझे आलम बेहोशी से होश की दुनिया तक खींच लाए। किसी करीबी मस्जिद से आज़ान की आवाज़ बुलंद हो रही थी। मैं कुछ समझ ना सका कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ। फिर रफ्ता रफ्ता मेरे हवास मामूल पर आ गए, मुझे सब कुछ याद आ गया। ये ख्याल आते ही मुझे अपने जिस्म में सोजिश और जलन का एहसास हुआ, मगर ये एहसास लम्हाती था। जिस्मानी तौर पर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, असल में वो उसका सहर था। मैं अभी तक बरामदे के करीब ज़मीन पर पड़ा हुआ था और शोले बरामदे में बदस्तूर मौजूद थे, मगर वहाँ अब ना तो शंभू था और ना सरिता नज़र आ रही थी। फिर नमाज पढ़ी मैंने, और नमाज पढ़कर मेरे दिल को कदरे सुकून तो मिल गया, मगर जब बिस्तर पर दराज हुआ तो फिर वहशत सी होने लगी। अब यह घर जैसा और जिस हाल में भी था, उसे मेरा घर नहीं कहा जा सकता था। जिन हालात से मैं गुजर रहा था, उनमें मायूसी की जज्बात का गालिब आ जाना कोई बईद अस कयास बात नहीं थी। मुझ पर भी इसी सबब मायूसी गालिब आने लगी थी। मैं इस्तराब के आलम में बिस्तर से उठ गया और कमरे में टहलने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं मौत को शिकस्त दे दूंगा, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। फिर मैं बाहर निकला, मैंने एक पानी की बाल्टी भरी और मैंने गलाजत को वहाँ से बहा दिया। फिर मैं अकबी दरवाजे की तरफ भड़ गया। मैं वहाँ से बाहर निकल आया, ताला डाल दिया, उसके बाद मैंने फाटक की राह ली। इमारत से बाहर निकलकर मुझे ज़रा सुकून का एहसास हुआ। ज़िंदगी पूरे ज़ोरों शोर के साथ अपने होने का सबूत दे रही थी। मैं वहाँ से एक होटल में गया, अपने पेट की आग बुझाई। फिर मैं वहाँ से एक पार्क में चला गया, वहाँ जाके मैं बैठ गया। मुझे फ़र्द और ताजगी का एहसास हुआ, तबीयत की वहशत थोड़ी ख़त्म हो गई। अपने चिल्ले का बड़ा हिस्सा मैंने किसी न किसी तरह पूरा कर लिया था, बस अब थोड़ा ही वक्त रह गया था। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि मुझे अपने अकब में नुस्वानी सरगोशी का एहसास हुआ। फिर एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी, उन दोनों के दरमियान गालिबन कोई बहस हो रही थी। हर वक्त बच्चे बच्चे, अगर ऐसा ही था समीना तो तुम्हें मेरा साथ नहीं आना चाहिए था। तो तुम ये क्यों भूल जाते हो जाहिद कि मैं भी एक माँ हूँ? तो गोया मर्द का नाम जाहिद है और औरत का नाम समीना, मैंने सोचा। मैंने इससे कब इनकार किया है, लेकिन तुम्हें भी तो ये याद रखना चाहिए ना कि महज तुम्हारे इश्क में मैंने भी तो अपना घर बार छोड़ा है। तो क्या मुझे तुमसे इश्क नहीं? समीना का लहजा शिकायती था। क्या मैंने कुर्बानी नहीं दी? मैंने अपने शोहर और बच्चों को नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए है? किस काफिर को इनकार है तुम्हारे इश्क और तुम्हारी कुर्बानी से? मैं तो सिर्फ तुमसे इतना कहता हूँ कि अपने माजी को भूल जाओ, ये ढाका नहीं चंगाम है और यहाँ हम मियाँ बीवी की हैसियत से रहते हैं। आहिस्ता बोलो, यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा और है कौन? इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, यानी ये कहने के कि मैं अपने बच्चों को भी भुला दूँ। ईमानदारी से कहो, क्या वो तुम्हारे बच्चे लगते हैं? काले को लोटे बिल्कुल तुम्हारे शोहर पर गए हैं, मगर उन्होंने मेरी ही कोख से जन्म लिया है और वो मेरा ही खून है। तुम बहस क्यों करने लगती हो समीना, और तुम हर बात को बहस का नाम क्यों देते हो जाहिद? अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है ना, तो तुम अब भी लौट सकती हो। लौट सकती हूँ? क्या कह रहे हो तुम? अगर लौटना ही होता तो घर से बाहर कदम क्यों रखती, तुम्हारी बात क्यों मानती? मैं उनकी दरमियान बातें सुनता रहा। खूबसूरत औरतें चाहे शादीशुदा हों या बच्चे वाली,
ناپختہ ذہن رکھنے والے نوجوانوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہیں۔ زاہد بھی ایک ایسا ہی نوجوان تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے شکوے شکایتیں کر رہے تھے، اپنے اپنے ماضی کو دہرا رہے تھے، اور شاید انہیں آگے کے لیے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ دوسروں کے دکھ سکھ سن کر آدمی کچھ دیر کو اپنے رنج و الم بھول جاتا ہے۔ میرا خیال بھی ایسا تھا، ورنہ میں شاید ان دونوں کی گفتگو میں دلچسپی نہ لیتا۔ میں نے وہاں سے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے کھانسی آ گئی۔ چپ ہو جاؤ، کوئی ہے سمینہ؟ ہاں، کسی کے کھانسنے کی آواز تو میں نے بھی سنی ہے، مگر مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں شوکت کا ماموزاد بھائی ارشد نہ ہو۔ شوکت سمینہ کے شوہر کا نام تھا۔ تمہیں تو بس ہر وقت خوف رہتا ہے، یہ پارک ہے، کوئی گزر گیا ہوگا کھانستا ہوا۔ یہ موقع غنیمت تھا کہ میں خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھ جاتا۔ میں بہت احتیاط سے کھڑا ہو گیا، دبے قدموں آگے بڑھنے لگا تاکہ وہ عورت خوفزدہ ہو کر چیخ نہ اٹھے۔ ٹھہرو، ٹھہر جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں یہی سمجھا کہ وہ مجھے نہیں، اپنے نوجوان عاشق کو پکار رہی ہے۔ میں نے رفتار اور بڑھا دی۔ میں کہتی ہوں رک جاؤ، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ تم مجھے یہاں چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتے۔ وہ اتنی زور زور سے چیخ رہی تھی کہ لوگ پارک کے کونوں کھدروں سے نکل کر دوڑنے لگے۔ معلوم نہیں اس کا عاشق نامراد کہاں مر گیا تھا اور وہ کمبخت یوں بولا گئی تھی۔ پارک میں تو ایک ہنگامہ سا ہو گیا۔ وہ دراز قد عورت میرے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ واقعی قابل دید تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بچوں کی ماں ہوگی۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ میں نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ وہ یقیناً ہنگامے سے خوفزدہ ہو گئی تھی اور اب مجھے شاید اپنا اعلی کار بنانا چاہتی تھی۔ اسی دوران لوگ پہنچ گئے۔ چھوڑو میرا بازو۔ اے عورت، تو کیوں چیخ رہی تھی؟ کیا کر رہے تھے تم یہاں؟ مجھے کیا خبر کیوں چیخ رہی تھی؟ بتاؤ کون ہے یہ تمہاری؟ کوئی نہیں، میں تو اس کو نہیں جانتا، خوامخواہ میرے گلے پڑ رہی ہے۔ کوئی نہیں ہوں میں تمہاری، خوامخواہ گلے پڑ رہی ہوں؟ تم مجھے ڈھاکہ سے بھگا کر لائے تھے۔ بھگا کر لایا تھا؟ اب میری تو قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ بہت عیار عورت تھی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور اپنا بازو چھڑا لیا۔ پھر تو جیسے قیامت آ گئی۔ لوگوں کی غیرت اور مردانگی بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ ان کے سامنے کسی حسین اور خوبصورت عورت کو یوں دھکا دیا جائے؟ تو بڑا بے غیرت مرد ہے، ایک تو اس عورت کو بھگا کر لایا ہے، اس پر حرام زدگی دکھا رہا ہے۔ ہر طرف تو مجھ پر جیسے آوازوں کے پتھر برسنے لگے۔ اس عورت نے جھپٹ کر میرا گریبان پکڑ لیا۔ میں تمہارا خون کر دوں گی مگر تمہیں بھاگنے نہیں دوں گی۔ پھر کسی نے بھیڑ میں پولیس کو بلانے کا مشورہ دے دیا۔ ٹھہرے، بات سنیں میری، میں بتاتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے۔ تم کیا بتاؤ گے، میں ہی بتائے دیتی ہوں، اب چھپانا کیا، ہم اسے بھاگنے نہیں دیں گے، اس کا گریبان چھوڑ دو، کسی نے اس عورت سے کہا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ چنگام چل کر تم سے شادی کر لوں گا۔ ایک مہینہ ہو گیا ٹالے جا رہا ہے، میں قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ اب وہ مزید بے حجاب ہو گئی؟ جھوٹ بولتی ہے، یہ بکواس کرتی ہے، میں چیخ اٹھا۔ جھوٹا ہے یہ، بہت جھوٹا ہے، وہ چیخنے لگی۔ پوچھیں اس سے، قسم لے کے پوچھیں، کیا یہ شیخ کرامت نہیں ہے؟ یہ کہہ رہا تھا نا کہ ابھی اس نے مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، پوچھیں اس سے۔ اب مجھے معاملے کی سنگین نوعیت کا احساس ہوا۔ میں اب تک غلط خطوط پر سوچ رہا تھا، معاملہ وہ نہیں تھا جو بظاہر نظر آ رہا تھا۔ بول میاں، ٹھیک ہے یہ بات؟ تیرا نام یہی ہے نا؟ یہ بھی پوچھیں اس سے کہ کیا یہ بدائیوں کا رہنے والا نہیں ہے، اور یہاں یہ کہاں رہتا ہے، کہاں رکھا ہے مجھے، یہ بھی۔ بس بس، ہمیں یقین آ گیا ہے کہ یہ فراڈیا ہے، تم اسے تھانے لے چلو، ہم بھی چلتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں، غلطی میری ہی ہے، مجھے معاف کر دو سمینہ، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ نہیں، میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گی، تم دھوکے باز ہو، جو چاہے سزا دے لو، مجھے ہر سزا منظور ہے، مگر معاف کر دو مجھے۔ یہ دونوں ہی آوارہ لگتے ہیں، لعنت پڑو ان پر۔ کسی ادھیڑ عمر شخص نے زور سے لاہور پڑی اور وہاں سے چل دیا۔ مان جاؤ سمینہ، تم اب مان بھی جاؤ، میں تمہیں پولیس کے حوالے کیے بغیر نہیں رہوں گی، تم بھی پھنس جاؤ گی پھر، شاید تم نہیں جانتی پولیس والوں کو۔ کر دے بند، تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو تھانے۔ بات نہ بڑھاؤ سمینہ، میں کل ہی تم سے شادی کر لوں گا، میں لعنت بھیجتی ہوں شادی پر اور تم پر بھی۔ وہاں سے باقی تو لوگ چلے گئے، پر ایک نوجوان وہاں پر رکا رہا۔ چلو اب، سمینہ مجھ سے بھی مخاطب تھی اور اس نوجوان سے بھی۔ ہم پارک سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ علاقے کا تھانہ وہاں سے دور تھا، مگر یہ بات غالباً اس نوجوان کو معلوم نہیں تھی۔ وہ نوجوان سمینہ سے مخاطب ہوا، کدھر چلنا ہے؟ تھانہ معلوم ہے آپ کو؟ ہاں معلوم ہے۔ سمینہ کے اس جواب نے میرے اس خیال پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی کہ وہ اس وقت کسی کی اعلی کار بنی ہوئی ہے، اور وہ ہستی کون ہو سکتی ہے، یہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ میں خاموش رہا۔ میں اس تمام کھیل کا مقصد اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اسی کے ساتھ یہ بھی طے کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس مصیبت سے کس طرح جان چھڑانا ہے۔ یہ معاملہ پولیس تک پہنچ جاتا تو میرے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ مجھے یقین آ گیا تھا کہ سمینہ کے معاملے میں مہپارہ ہی نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔
थाना अब ज्यादा दूर नहीं रह गया था, इसलिए मुझे जो कुछ करना था अब उसमें ताखीर नुकसानदेह हो सकती थी। उसी वक्त मौका भी था। मेरी बाएं जानिब जो इलाका था मेरा देखा भाला था। मेरे जहन में पहले से यही जगह थी कि यहाँ तक पहुंचकर कोई दाव दिखा सकता हूँ। हम एक छोटी सी सड़क से गुजर रहे थे जिस पर कुछ दूर चलने के बाद दाएं जानिब उस इलाके का थाना था। मैं दानिस्ता बाई तरफ चल रहा था। मेरे साथ वो नौजवान था जो अब तक शायद अपनी दानिस्त में मेरे हाथ को मजबूती से पकड़े हुए था। उसी के साथ समीना कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। अचानक चलते चलते मैंने झटका देकर नौजवान से अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर उसे समीना की तरफ धकेल दिया। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं बाई जानिब एक पतली सी गली में घुस कर दौड़ने लगा। मुझे अपने पीछे से समीना की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी, पकड़ो पकड़ो वो भागा जा रहा है। फिर मैंने लोगों की आवाज़ें सुनी, वो चोर चोर की आवाज़ें बुलंद कर रहे थे। एक गली में पहुंचकर मैंने अपनी रफ्तार ज़रा आहिस्ता कर दी और पीछे दौड़ने वाले लोगों को दानिस्ता करीब आने दिया। अब आगे जाकर गलियों में एक तरह हंसा था। मैं भी लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाए चीखता हुआ भाग रहा था। फिर मैंने वही किया जो ऐसे मौके पर चोर करते हैं। चोर की तलाश में करीब आ जाने वाले लोगों से मैंने कुछ पूछा और फिर उन्हें एक तरफ दौड़ा दिया और खुद दूसरी गली में मुड़ गया। फिर मैं जल्द से जल्द गलियों के जाल से निकलकर सड़क पर पहुंच गया और फिर अपनी कोठी तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। महपारा का हरबा पूरे तौर पर नाकाम हो चुका था। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे और अमल शुरू करने में 1.5 घंटा बाकी था। अगबी फाटक का दरवाज़ा खोलकर अपने हवास को काबू में रखते हुए मैंने एहतियातन रद्दे बला की आयात का वेद शुरू कर दिया। अपने कमरे तक पहुंचते हुए बज़ाहिर मुझे कोई तब्दीली महसूस नहीं हुई, सब कुछ जूं का तू था। इमारत में सन्नाटा फैला हुआ था। शंभू ने मुझे धमकी दी थी कि मैं कोठी छोड़कर चला जाऊं और ये आज ही की बात थी। इस वक्त मैं उसी धमकी पर गौर कर रहा था, सोच रहा था कि वो अगला कदम क्या उठा सकता है। मैं अब हमजाद का अमल कर रहा था, मेरा अमल रहमानी था, मैं यहाँ कुरानी आयात का वर्द करता था, मैं अब तक अपने दुश्मनों के मुकाबले इसलिए जमा हुआ था और मेरे दुश्मन इसीलिए मुझे जेर न कर सके थे कि मैं शैतान से कहीं बड़ी और अजीम ताकत की पनाह में था। इसी नतीजे पर पहुंचकर मुझे इत्मीनान कल्ब हासिल हुआ। मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। हमजाद के अमल का वक्त करीब आ पहुँचा था। मैंने कमरे के दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उस रात अमल के दौरान मैं सिर्फ इतना हुआ कि मुझे सरीता और दूसरी मुलाजमाओं के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं जिन पर मैंने कान नहीं धरा। 2 रोज़ फिर बगैर किसी काबिले जिक्र वाक्य के गुजर गए। ये वाक्या तीसरे दिन सुबह का है कि डॉक्टर इम्तियाज़ को रुख्सत करके मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि करीबी थाने का SHO मलिक आदम का, उसके साथ ASI और एक पुलिस वाला भी था। ASI के कहने पर वो अकबी सिमत से आया था। मैंने तो खतरे की बूझ सूंघ ली। तो मुझसे पूछ नहीं रहे कि मैं क्यों आया हूँ? यकीनन आपको मुझसे कोई काम होगा। काम होता तो तुम्हें थाने भी बुलवा सकता था, मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। तुमने यहाँ कितनी लड़कियों को हबसे भेजा में रखा हुआ है? किसी को नहीं। ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना करो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, इसे वो दरख्वास्त दिखाओ जो मोहल्ले वालों ने SP साहब की खिदमत में भेजी थी। इस केस में तुम नहीं बच सकते, बहुत हो गई। मैंने ये सोचकर तुम्हारा बहुत ख्याल किया कि तुम शरीफ आदमी हो, मगर अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। तुमने तो मेरी नौकरी खतरे में डाल दी है। मिली दरख्वास्त? जी सर, ये रही। मुझे नहीं, इसे दिखाओ। जी जी सर। मैं वो दरख्वास्त लेकर पढ़ने लगा। SHO गलत नहीं कह रहा था, उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई थी। ये मामला थाने की हद से निकल कर पुलिस के आला हुकाम तक पहुँच चुका था। दरख्वास्त में लिखा था कि रोज़ रात के वक्त मेरी कोठी से औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और ऐसा मालूम होता है जैसे उन्हें जदकूब किया जा रहा हो। इसे मोहल्ले वालों का सुकून ख़त्म हो गया था और रात के वक्त आराम से नहीं सो पाते। दरख्वास्त में मेरे किरदार पर भी गहरे शको शुबे का इजहार किया गया है और ये भी लिखा था कि पुलिस से मेरे मरासिम हैं और अक्सर पुलिस वालों को मेरे यहाँ आते जाते देखा गया है। कई दिन से अमल के दौरान में मुझे वाकई चीखों पुकार सुनाई दे रही थी, मगर मैं उसे फरेब समात ही समझा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि शंभू वाकई मेरी मुलाजमाओं पर तशद्दुद कर रहा था, क्योंकि चीखने चिल्लाने की आवाज़ें दूसरों ने भी सुनी थी। पर साहब, इस दरख्वास्त में जो कुछ लिखा है सरासर गलत है। तुमने तो सारा मसला ही हल कर दिया, SHO ने तंज किया। आप खुद सोचें सर, क्या थाने की पुलिस से मेरे मरासिम हैं? क्या ये बात गलत नहीं? बकवास ना करो ज़्यादा, तुम जैसे ना जाने कितने मैंने अपनी टांग के नीचे से निकाल दिए हैं। चला है बड़ा भोला बनने, क्या मैं तुझे जानता नहीं कि तू कितने पानी में है? कभी ये चक्कर कभी वो चक्कर, अब मैं चक्कर में नहीं आ सकता। चलो उठो यहाँ से। मगर कहाँ? डरो मत, थाने चलने की बारी अभी नहीं आई। पहले मैं तुम्हारी कोठी से उन लड़कियों को बरामद करूंगा जिन्हें तुमने हबसे भेजा में रखा हुआ है। चलकर खुद निशानदेही करो कि उन्हें तुमने कहाँ छुपाया है, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मजबूरन मुझे उठना ही पड़ा। मेरी कोठी में मुलाजमाओं के सिवा कोई और नहीं है, आप खुद चलकर देख सकते हैं
और आजकल तो मैं कोठी के इस हिस्से में उन्हें आने भी नहीं देता, क्योंकि मेरी इबादत में फ़र्क पड़ता है। बड़ा इबादत गुजार बन रहा है। अभी तेरी सारी पारसाई निकाले देता हूँ, बदमाश कहीं का मुझे पट्टी पढ़ा रहा है। कोठी के जिस हिस्से में मेरी मुलाजमाएँ थीं, मेरे नज़दीक वहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती थी, क्योंकि उस पर शंभू का कब्ज़ा था। मैंने फैसला ज़रूर कर लिया था कि पहले खुद बरामदे में मैं कदम नहीं रखूँगा। मेरे ख्याल में SHO की सारी अकड़फों कुछ देर में निकलने वाली थी। बरामदे के करीब पहुँचते पहुँचते मैं गैर महसूस अंदाज से ज़रा पीछे हो गया। मुझसे ज़रा आगे SHO था। बरामदा बिल्कुल नज़दीक आ चुका था। SHO अकड़ कर बोला, क्यों, तेरे पैरों में जान नहीं रही, चल आगे, मुझे ज़रा बाथरूम जाना है। बाथरूम जाना है? बाथरूम तो मैं अभी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहते हुए उसने मुझे बरामदे की तरफ धक्का दे दिया। मैं अपना तवाज़न बरकरार ना रख सका, मगर कुछ भी ना हुआ। मैं बरामदे के फर्श पर गिर पड़ा और इस दौरान में पुलिस वाले भी बरामदे में आ गए। कोई बहाना नहीं चलेगा, उठो। बरामदे से ज़रा हटकर सहन में पहुँचते ही एक तरफ से कराहने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक उठा, पुलिस वालों ने भी सुनी थी। उधर उधर उस तरफ सर, ASI ने फ़ौरन ही अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए SHO को मुखातिब किया। मैंने तुमसे पहले सुन ली है कराहने की आवाज़। मैं भी हैरान होकर उनके साथ चलने लगा। SHO ने जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर के मंजर देख कर मेरे फरिश्ते कूच कर गए। सामने एक कुर्सी पर रुक्मणी रस्सियों से बंधी हुई नजर आ रही थी। कुर्सी के करीब ही फर्श पर चमड़े का एक हंटर पड़ा हुआ था। रुक्मणी की हालत बहुत खराब मालूम हो रही थी। देख क्या रहे हो, खोलो इसे जल्दी से, SHO ने कहा। हथकड़ी डाल दो इसको फौरन ही। मुझे एहसास भी ना हुआ कि कब सिपाही ने मेरी हथकड़ी लगा दी। उस वक्त तो जैसे मैं कहीं और ही था। अब मुझ पर बड़ी हद तक हकीकत वाज़ह हो चुकी थी। क्या चाल चली शंभू ने? उसने पुलिस वालों और मुझे कोठी के इस हिस्से में दाखिल होने से क्यों नहीं रोका? उस भरपूर हरबे का कोई तोड़ मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इस तरह कानून की गिरफ्त से फांस दिया गया था कि फरार होने की कोई सूरत ना रहे। उसके बाद बकिया चार मुलाजमाएं भी कोठी के मुख्तलिफ कमरों से बरामद हो गईं। अलबत्ता सरिता नहीं मिली और ना ही शंभू नजर आया। हाँ भाई शेख करामत, बोल अब, तू बड़ा पारसा बन रहा था ना, नमाजी, परहेजगार, इबादत गुजार। मैं अब भी यही कहूँगा जनाब, मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर? बेकसूर तो तुझे थाने चलकर बताऊंगा कि किसे कहते हैं। जरा इन लड़कियों के बयान हो जाएं। बयान ले लें आप, इनसे पूछ लें कि मैंने इन पर यह जुल्म नहीं किया। बयान लिखो इनके बारी बारी। पहला बयान रुक्मणी का हुआ। मैं दिनाजपुर की रहने वाली हूँ। यहाँ मैं अपने मालिक के साथ रहती हूँ और भरे घरों में काम काज करके अपना पेट भरती थी। बाप मर चुका है, माँ मेरे मामू के पास रहती है। मैं इस घर में भी काम करने आती थी। मुझे तनख्वाह का लालच देकर कहा गया कि कोठी ही में रहने लगो। शुरू शुरू में शेख साहब ने मुझसे हंसी मजाक शुरू किया, फिर और बेतकल्लुफ होने लगे और उसके बाद पैसों का लालच देने लगे। मगर रुक्मिणी यूं बोले जा रही थी जैसे हालत ख्वाब में हो। उसने मुझ पर अपने बयान में बड़े संगीन इल्जामात लगाए। जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा था, तुम पर तशद्दुद किया जा रहा था, तुम बेआबरू हो रही थी, तो यहाँ से भाग क्यों नहीं गई? ASI ने पूछा। ओए बस कर, SHO ने उसे डांटा। अब मैं समझ चुका था कि इस वक्त मेरी मुलाजमाओं में से कोई एक भी अपने होश में नहीं और सभी शहर में गिरफ्तार हैं। आप सिर्फ मेरी बात सुन लें, फिर जो चाहे कीजिएगा। मैं बाज ना आया और बाज भी कैसे आता, मेरी तो जान पर बनी हुई थी। तन्हाई बहुत ज़रूरी है क्या? जी जनाब, आप प्लीज़ तन्हाई में एक बार मेरी बात सुन रहे। कॉन्स्टेबल ने हथकड़ी खोलती और फिर मैं SHO को लिए अपने कमरे में आ गया। तशरीफ रखे, ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। दरअसल बात यह है जनाब, मेरे कुछ दुश्मनों ने मेरे खिलाफ ये साजिश तैयार की है। तो क्या सारे मोहल्ले वाले दुश्मन हैं तुम्हारे? और ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं क्या? वो लड़कियां अपने होश में नहीं है। और अच्छा, तू बस एक तू ही होश में है। तू जो ये चक्कर चला रहा है और समझ रहा है कि मैं तेरी बातों में आ जाऊँगा, तो मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ। तेरा कहना कि तू कोई अमल कर रहा है और कुछ लोग नहीं चाहते कि तेरा अमल पूरा हो, मगर वो लोग हैं कौन और कहाँ हैं? मैं सिर्फ तेरी बकवास पर तो यकीन नहीं कर सकता ना। वो लोग नज़र नहीं आते, छुपकर वार करते हैं। और बस तुझे नज़र आते हैं क्या? अगर मैंने एक रात भी अमल नहीं किया जनाब, तो वजीफ़ा उल्टा हो जाएगा और फिर मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। तो ज़रूरत क्या पड़ी है किसी को तुझे बचाने की? जैसी करनी वैसी भरनी। वो किसी तरह घाट पर ना आया तो मैंने एक और दाव आजमाया। देखिए जनाब, अगर आप इन सारी झूठी बातों को सच भी मान लें, तो ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि जिसके जुर्म की जमानत ना हो सके। अदालत भी मुझे जमानत पर रिहा कर देगी। मैं दरअसल ये चाहता था कि जमानत पर रिहा कर देगी का बच्चा, वो तो एकदम बिगड़ गया। आप सुनिए तो सही, मैं कुछ और कहना, मुझे कुछ नहीं सुनना अब। काबिले जमानत, मैं बताऊंगा तुझे किसे कहते हैं जमानत। कत्ल की दफा लगाऊंगा तुझ पर 302, फिर देखूंगा कैसे होती है तेरी जमानत। इसके अलावा हबसे बेजा में रखने और रगड़ कर रख दूंगा तुझे। समझ क्या रहा है तू अपने आप को?
बड़ी मुश्किलों से वो खुशामद और आजी से ठंडा हुआ। मैंने मौका पाते ही जो सोचा था निहायत नरमी के साथ उससे कह दिया, ये कोठी है भी तेरे नाम के ऐसे ही चक्कर दे रहा है? मैं आपको इसके कागजात दिखा सकता हूँ अभी अलमारी से निकाल कर। अच्छा अच्छा, इसकी जरूरत नहीं, मगर मेरी वसी और इस कोठी की कीमत इस ज़माने में भी 1 लाख से कम नहीं होगी, और ये कोई ऐसी मामूली रकम नहीं थी कि SHO सोचने पर मजबूर ना हो जाता। नकद रकम अब मेरे पास बराए नाम रह गई थी, इसलिए मैंने ये बात ही नहीं की। SHO ऐसी कोठी में रहने का ख्वाब भी नहीं देख सकता था। सिर्फ 3 दिन की मोहलत चाहिए मुझे बस, मैं अपना अमल पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। फिर आप चाहे मुझे हवालात में बंद कीजिएगा या जेल भिजवा दीजिएगा। मेरी बात सुनकर वो चौंक उठा और इस तरह मुझे देखने लगा जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। सिर्फ 3 दिन? जी हाँ, 3 दिन के अंदर अंदर मेरा अमल पूरा हो जाएगा। फिर और कुछ हो तो मेरी ज़िंदगी खतरे में नहीं पड़ेगी, मुझे बस 3 दिन दे दें, इसके बाद आप अपनी जो कार्रवाई चाहें करें। कार्रवाई तो हो चुकी है और मुझे इस सिलसिले में ऊपर वालों को भी जवाब देना है। बहुत मुश्किल है, ये बात SP साहब के इल्म में है कि मैं यहाँ छापा मारने आया हूँ। ऐसा करो, तुम 3 दिन के लिए फरार हो जाओ, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मुझे यहीं इसी कमरे में रहकर अपना अमल पूरा करना है। तो फिर सब्र करो, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई और कदम उठाया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, जो मुझे कतई मंजूर नहीं। एक और रास्ता भी है जनाब, इस तरह आपकी नौकरी भी खतरे में नहीं पड़ेगी और मेरा मकसद भी हल हो जाएगा। तो फिर बग दो ना जल्दी से। फिर मैंने उसके सामने जो तजवीज़ पेश की उसमें रंग चोखा ही चोखा आने के 100% इम्कानात थे। चलो ये तो हो जाएगा, अब मामले की बात करो। मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। उसके लिए तो मुझे और आपको कचहरी चलना पड़ेगा, ताकि कोठी की रजिस्ट्री आपके नाम। नहीं, वो मेरी बात काट कर बोला। तो फिर कोठी मेरे नाम नहीं होगी? फिर आप ही आप बुड़बड़ाया। हाँ ये ठीक रहेगा, मगर खैर बाद में मैं इससे बेगम के नाम करा लूँगा। तुम ऐसा करो कि फ़िलहाल इस कोठी के तमाम कागजात मेरे हवाले कर दो। मुझे बहरहाल उसके वादे पर ही यकीन करना था और हर तरह उसके रहमो करम पर था, इसलिए अलमारी से कागजात निकाल कर उसके हवाले कर दिए। अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो कि मैं क्या करता हूँ, बहरहाल तुम्हारा काम हो जाएगा। बस यही चाहिए मुझे जनाब। वो मुझे अपने साथ लिए दोबारा नशिस्तगाह में आ गया। उस वक्त तक ASI मेरी मुलाजमाओं के बयान ले चुका था, वो भी उसी की थाली का चट्टा बट्टा था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ न कुछ सौदेबाजी हो गई है। देखो, इन लड़कियों को डॉक्टरी के लिए अस्पताल भिजवाना है। फिर मुझे हाथ में हथकड़ियाँ पहना दी गईं। फिर कुछ ही देर बाद ये सारा काफिला थाने की तरफ जा रहा था। मेरी कोठी को भी ताला लगा दिया गया, चाबियाँ पुलिस की तहवील में थीं। इस बात का इल्म सिर्फ मुझे और SHO को था कि अकबी फाटक, इमारत के अकबी दरवाजे और मेरे कमरे में पड़े हुए तालों को चाबियाँ खामोशी और राजदारी के साथ मेरी जेब में पहुँच चुकी थी। थाने पहुंचकर मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। इससे पहले SHO के हुक्म पर हवालात की उस कोठड़ी को साफ कर दिया गया था और ओढ़ने बिछाने के लिए मुझे 2 कंबल भी फराहम कर दिए गए थे। फिर मेरी SHO के साथ क्लोज्ड मीटिंग हुई। उसने अपने ओहदे और तालुकात से फ़ायदा उठाकर तमाम कागजात मुकम्मल करा लिए थे। मुझे कचहरी जाने की जरूरत पेश नहीं आई थी। उन कागजात के मुताबिक अब से 2 माह कबल मैंने गोया किसी जफर हमीद को 70,000 रुपये के इवज़ अपनी कोठी फरोख की थी। वो बहुत सयाना था, इसलिए 2 माह कबल की तारीख लिखवाई थी। जफर हमीद उसका साला भाई या कोई भी करीबी अजीज़ हो सकता था जिस पर उसे पूरा एतमाद होगा और बाद में उससे कोठी को अपनी या अपनी बीवी के नाम करवा सकेगा। मैंने अपने दस्तखत कर दिए। उसके बाद क्लोज डोर मीटिंग ख़त्म हुई और मुझे हवालात में पहुँचा दिया गया। आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका मुझे बेचैनी से इंतज़ार था। ठीक 11 बजे रात को सिपाही ने बहुत एहतियात और आहिस्तगी के साथ हवालात का दरवाज़ा खोल दिया और मुझे थाने से निकाल दिया गया। मैं अपनी कोठी के अकबी फाटक तक पहुंच गया। उस दौरान मैं कुरानी आयात का विर्द करता रहा। अकबी फाटक का ताला खोलकर मैं अंदर पहुँचा और उसे एहतियातन अंदर से मैंने ताला लगा दिया। फिर मैंने हमजाद के लिए रोटी डाली। अमल का वक्त अब करीब आता जा रहा था। लिबास तब्दील कर लिया। ऐन उसी वक्त मेरे कानों से एक जहरीला कहका टकराया। दीवार के करीब मुझे अपनी जान महपारा का चमकीला हयोला नजर आ रहा था। शेख, तुम आखिर असल मामले की तह तक पहुंच ही गए। मैं बताती हूँ तुम्हें कि शंभू को मैंने ही यहाँ तक पहुँचाया है, वरना अपनी तमाम कुवतों के बावजूद वो कभी सरिता को तलाश न कर पाता। मगर इस वक्त मैं तुम्हें ये बताने नहीं आई थी, मैं तुम्हें एक और खुशखबरी सुनाने आई थी। मुझे इतराफ़ है कि तुमने अब तक इंतहाई खुद एतमादी और जहानत का सबूत दिया है। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो अब तक मेरे सामने टिक ना पाता, मगर इसके बावजूद तुम्हारी हैसियत मेरे सामने एक हकीर कीड़े की सी है। बिला आखिर मैं अब अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हूँ, अब मेरी रूह को करार आ जाएगा। शायद अब मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत पेश नहीं आएगी, तुम खुद मेरे पास आ चुके होगे, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात है।
फिर इससे पहले कि मैं पारा से मैं कोई सवाल करता, कुछ कहता, उसका हौला गायब हो गया। मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात, मेरे इस्तराब में लम्हा बलम्हा इजाफा होता जा रहा था और अब रात के 12 बजने में सिर्फ चंद मिनट रह गए थे। मैं सोचने लगा कि कहीं यही चंद मिनट तो फैसला कुन नहीं है। क्या आज अमल शुरू करने से पहले मेरी ज़िंदगी का चराग गुल हो जाएगा।